अब हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चंस को। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार आता रहता है और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चंस भी आने का चांस है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा, ए कार एक्सलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डी एक्सलरेट एट अ कॉन्स्टेंट रेट बीटा comes to rest. If the total elapsed time is t, the maximum velocity acquired by the car is, है ना? एक उसका मैं ग्राफ बना देता हूँ, उसका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है कि एक कार है जो पहले कुछ टाइम के लिए वो एक्सेलरेट करती है ना, लाइक दिस, और उसके बाद फिर से डी एक्सेलरेट करके रेस्ट पे आ जाती है। मान लीजिए इसका अल्फा दिया हुआ है आपका एक्सेलरेशन, और डी एक्सलरेशन जो है वो दिया हुआ बीटा, और यहां से यहां जाने में इसको टाइम जो बच्चों वो लगता है टी वन, है ना। टाइम जो है उसका टी वन है और इधर टाइम लगता है टी टू। तो मैंने आपसे पूछा है कि ये बताइए कि मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी कितना के बराबर होगा। If the car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time and after which it decelerates with constant rate beta and come to rest. If the total time elapsed is t. If the total time is t, तो आपसे अगर पूछा गया कि maximum velocity acquired by the car, इस कार के द्वारा maximum velocity acquired कितना करेगा वो बताना है। What is the maximum velocity acquired by the car? अपने आप को मैक्सिमम वेलोसिटी तो आपका यही होगा, वी मैक्स को कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार? अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टाइम टी, वेरी गुड वेरी गुड। इस केस में बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है? दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टोटल टाइम टी। मस्ट रिमेम्बर कितना हो जाता है, अल्फा इनटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पे वी मैक्स की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इसका फॉर्मूला होता है वी बराबर यू प्लस ए टी अल्फा टी, ये तो आपका जीरो है यू का वैल्यू, तो इस केस में आपको लिख सकते हैं आप अल्फा इंटू टी वन होगा, या जब इधर से इनिशियल वेलोसिटी लीजिएगा वी मैक्स और फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो या तो ये बीटा इंटू टी टू होगा, क्योंकि यहाँ से टाइम टी वन लग रहा है, यहाँ से यहाँ टाइम आने में टी टू लग रहा है। ये ओ है, ओ से ए एक्सेलरेट किया और ए से बी डी एक्सेलरेट किया, और टोटल टाइम जो होगा डेट इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, है ना। और यहाँ से आप टी बराबर क्या लिखोगे, टी वन बराबर वी मैक्स बाई अल्फा, और यहाँ से क्या लिखोगे, टी टू बराबर वी मैक्स बाई बीटा, उसको कॉमन ले लीजिए, तो वी मैक्स को अगर आप कॉमन ले लोगे तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, तो आपका टी बराबर हो जाएगा वी मैक्स, और यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल लेना, वी मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। बच्चों देखो, ये इक्वेशन हमने जनरल कंडीशन बता दिया, लेकिन आता क्या है, आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, पहले एक्सेलरेट किया गया है, कितना एक्सेलरेशन दे दिया, डी एक्सेलरेशन दिया, और बाद में पूछेगा कि बताइए वी मैक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर सकते है ना, यू कैन नोट इट डाउन।
can note it down. अब मुझे मैंने आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, अभी ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, दिस क्वेश्चन इज पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बनाने वाले हैं हम लोग? पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन। किसी मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ है विथ निगेटिव एक्सेलरेशन, विथ निगेटिव एक्सेलरेशन is, कौन सा इसमें से निगेटिव एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है? तो बच्चों अगर एक ग्राफ ऐसा है, दूसरा ऐसा बनाएंगे, तीसरा ऐसा बनाएंगे, चार ऑप्शंस मैंने बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। अगर कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, और इसमें मैंने दे दिया आपको बच्चों कि निगेटिव एक्सेलरेशन बताना है। एक मैंने ऐसे दे दिया, दूसरा मैंने ऐसे दे दिया, तीसरा मैंने ऐसे दे दिया, और चौथा मैंने दे दिया ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ऑप्शन दे दिया, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ मोशन विथ निगेटिव एक्सेलरेशन, विथ निगेटिव एक्सेलरेशन। वेरी गुड, किसी का आंसर आया है? अनामिका बी, आई थिंक अहमद अली पीयूष बी। वेरी गुड, योर आंसर इज बी, योर आंसर इज बी। याद रखिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ में पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अगर हम बोल दें यहाँ पे बच्चों, ये एक्स टी ग्राफ का, यहाँ पे एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, तो पहला डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो वेलोसिटी देगा, है ना? पहला डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो वेलोसिटी देगा, और दूसरा डिफरेंशिएशन जो करेंगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये आपको एक्सेलरेशन देगा। तो बच्चों कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हाइट मिल रहा है वो आपको मिनिमम, और यहाँ पे जो हाइट मिल रहा है वो मैक्सिमम। तो अगर आप एक्स का ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब उसका सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। याद रखिए, डिफरेंशिएशन में फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसी का मैक्सिमम और कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते थे, तो पहला डिफरेंशिएशन को जीरो कर देते थे, उससे एक वैल्यू आता था, उस वैल्यू को हम एक्स में डालते तो वो एक्स का एक सर्टेन वैल्यू देता। अभी क्लियर नहीं हुआ कि इसका मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, उसको डबल डिफरेंशिएशन करते थे। और डबल डिफरेंशिएशन में क्या देखते थे हम लोग कि अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है देन उसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन जो होगा, मतलब एक्स का सेकेंड डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर will be less than zero, मतलब negative होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, xt graph में अगर नीचे की तरफ खुल रहा है ये वाला downward है ना, then आपको समझ जाना है कि यहाँ पे acceleration negative होगा, यहाँ पे acceleration आपका greater than zero positive होगा। तो must remember, क्या बता सकते हैं कि ये d वाले condition में acceleration क्या होगा? What is the value of acceleration in case of d? What is the value of acceleration in case of d? चलिए बच्चों जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज द, यस एक आंसर आया है मुझे, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा? कैन यू से यू समन, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, जीरो होगा या सर्टेन अनदर वैल्यू होगा? बोलिए बच्चों, से तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है बच्चों, है ना? इस केस में क्या आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ ही नहीं रहा है,
है ना, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, एक्स का वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपको डी ऑप्शन में क्या देख रहे हो कि डी डी ऑप्शन में आपका एक्स का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। एक्स का वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका वेलोसिटी जो होगा डी एक्स बाई डी टी है ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी जीरो है ना, वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो एक्सलरेशन भी क्या होगा आपको, जीरो ही होगा, एक्सलरेशन का चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट होगा बट इट इज जीरो। ओके, यू कैन नोट इट डाउन, है ना बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, है ना, और अगले क्लास में, अगले क्लास के लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ टॉपिक 12th का भी स्टार्ट करूँ, ठीक है, साथ में 11th के साथ 12th के टॉपिक्स को भी देखते चले जाए। आप लोग की क्या राय है, सोच रहा हूँ कुछ वेटेज वाला जो चैप्टर है लाइक मॉडर्न फिजिक्स है ना, उसको भी साथ में ही करते जाए। तो मेरे ख्याल से अगले क्लास में हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे, साथ साथ में सेमी कंडक्टर्स वगैरह की बात करेंगे, है ना। आप सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ के आइएगा, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। ओके बाय बाय, कल का टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको, है ना।